Let's start with this session. ये इतना इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ इतनी सारी चीजें अनलीश होने वाली हैं, कुछ इतनी सारी चीजें बाहर आने वाली हैं, जो आज तक मुझे नहीं समझ आई थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत बार बोला कि अपने दिल की सुनो, अंदर की आवाज सुनो। कैसे सुने? उसका आज यहाँ पर जवाब आने वाला है। अपने डिजायर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें? इतने सारे डिजायर्स हैं, उसमें से आइडेंटिफाई कैसे करें? थॉट्स के बेस पे करें, फीलिंग्स के बेस पे करें, इमोशंस के बेस पे करें, कैसे करें? उसका आज जवाब आने वाला है। बिलीफ, मैं कहता हूँ बिलीव करो, पूरी दुनिया कहती है बिलीव करो। बिलीफ है क्या? वॉट इज बिलीफ? कैसे करें? कैसे करते हैं बिलीव? कैसे कोई करता है, कैसे नहीं करता है? सो दिस सेशन इज बेसिकली अबाउट हाउ। दो तरह के लोग हैं जो मेरे सेशंस देखते हैं। एक वो है जो मजे के लिए देखते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब अगर सिंपल वे में देखा जाए कि अगर उनको फील अच्छा हो रहा है, मजा आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेशन में मजा आ रहा है, हल्का फुल्का है। थोड़ा सा भी दिमाग पे ज्यादा लोड आ गया, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, अरे मजा नहीं आ रहा है। सिंपल। सो ये है जो सेशन है, ये वाला जो सेशन है, ये टिपिकली दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए, जो मजे के लिए नहीं देख रहे, जो सही में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। अगर सच में आप कुछ करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए है। सो दिस इज माई मैसेज टू एवरीबडी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैं पढ़ने वाला हूँ इस सेशन को शुरू करने से पहले। चैप्टर नंबर 76, व्हेन ही इज बॉर्न मैन इज सॉफ्ट एंड वीक, इन डेथ ही बिकम्स स्टिफ एंड हार्ड। ट्रूली व्हाट इज स्टिफ एंड हार्ड इज अ कंपेनियन ऑफ डेथ, व्हाट इज सॉफ्ट एंड वीक is a companion of life. So if we want to be alive, we need to be flexible. Flexible not just in terms of our body, but in terms of our mind, in terms of our thinking, in terms of our beliefs. Let's be ready to change it. क्योंकि मैं अपने खुद के कई beliefs को challenge करने वाला हूँ। मैं अपने आप के बारे में negative बोलने वाला हूँ। क्यों नहीं? मैं गलत नहीं हो सकता क्या? जरूरी है जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है? क्यों? भाई कल जो मैं था और आज जो हूं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर मेरे थॉट्स क्यों नहीं बदल सकते? क्यों नहीं बदल सकते? मैं गलत क्यों नहीं हो सकता? मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता कि मैं गलत हूं? व्हाई नॉट? तो इसी तरीके से जो भी आप इस सेशन को देख रहे हो, चाहे यहां पे देख रहे हो, चाहे वीडियो में देख रहे हो, ट्राई टू बी एज सॉफ्ट एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। उसके बाद में चाहे तो हार्ड हो जाना, आइडियली नहीं होना चाहिए ऐसा हो जाना, बट अभी खुले दिमाग से सिर्फ समझने की कोशिश करो कि मैं जो बोलने वाला हूं, जो मैं एक्सप्रेस करने वाला हूं, कुछ चीजें हैं जो मैंने बहुत अपने डीपर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे फील करी, रियलाइज करी, एक्सपीरियंस करी है, जिसको मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करने वाला हूं। अब एक छोटा सा कन्फेशन। अनस्टॉपेबल सेशन को देख करके कुछ लोगों को यह लगा है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मजाक उड़ा रहा हूं, लगा है ना? सो अब अगर आप ध्यान से देखोगे उस सेशन को, तो मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया, कुछ बातों का मजाक उड़ाया है, और अगर किसी इंसान का मजाक उड़ाया तो खुद का उड़ा। क्यों? क्योंकि मैं पास्ट में, आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, मैं बता देता हूं कि जब मैंने लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स करने शुरू करे थे, तो सेशन के एंड में मैं एक प्रिंट आउट देता था सबको, और उस प्रिंट आउट में सबसे ऊपर एक बुक का नाम लिखा होता था, रिकमेंडेड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय संदीप महेश्वरी, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल। सो मैं खुद स्ट्रांगली उसमें बिलीव करता था। उसके अलावा इल्यूजन टू रियलिटी वाला जो मेरा सेशन था, उसमें मैंने आगे जाकर के जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया वो तो ठीक था, उसमें तो फोकस किया काम पे, 32 बार चबाने पे, जो मैं कहता हूँ कि काम पे फोकस करो बजाय के किसी सपने पे फोकस करने के। लेकिन शुरू में जो मैंने 3 एग्जांपल्स दिए थे, जो लोगों को बोला था कि आप इमेजिन करो कि आपका एक 1 BHK फ्लैट है वो आपको मिल गया है, इमेजिन करो कि आप एक फॉरेन टूर पे चले गए हो, इमेजिन करो कि आपका एक बिजनेस है, आप वहां पर बैठे हुए और आप सोचने लग गए तो अपने आप सच हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये क्या था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। मतलब मैं खुद उसको मानता था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानता था। तो और ये बात कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, मे बी 5-6 महीने हुए होंगे इस बात को। और अगर आप एक और चीज को नोट करोगे, तो मैंने आज तक अपने किसी भी सेशन में किसी के बारे में भी, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे ये हो वो, किसी के बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोला। तो मैं क्यों नेगेटिव बोल रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? क्यों बोल रहा हूं? कोई ना कोई वजह है, और वो वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसने आकर के मुझे बहुत थैंक्स किया, मतलब दैट गाय, उसने आकर के मुझे बोला कि संदीप भाई तेरी वजह से मजा आ गया, और मैं गोवा फ्री में घूम के आ गया अपनी फैमिली के साथ में, तो मुझे समझ नहीं आया। तो उसने फिर समझाया, कहता कि तूने मेरे को बताया था ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैंने जाकर के देखा, उसको समझा,
और वहाँ पे मैं गया था गोवा में, जिस होटल में रुका हुआ था उसी होटल के अंदर एक कैसीनो है, कहता वहाँ पे जा करके मैंने उसको अप्लाई किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और प्रॉपर तरीके से मैंने अप्लाई किया। मैंने कहा एग्जैक्टली तूने क्या किया जरा बताएगा। तो रूले नाम की गेम होती, आप लोगों को पता है रूले? नहीं पता तो गूगल में जाकर के डाल के देख लेना। उसमें बहुत सिंपल है, नंबर्स होते हैं बहुत सारे, उसमें से एक नंबर आपको चूज करना होता है। अगर वो नंबर आ गया तो आपको एक कप 35 मिल जाता है। सो सीधा 1000 रुपए आपने लगाया, 1000 रुपए का कितना हो जाएगा 35,000। अगर नो लिमिट टेबल है, 1,00,000 रुपए लगाया तो 1,00,000 का कितना हो जाएगा 35,00,000। उस बंदे ने क्या किया, अपना इसको समझ करके वीडियो को देखा और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर दिया वहां गैम्बलिंग। कहता मैंने एक नंबर पकड़ लिया कि 0, कोई और नंबर पे मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। बाकी लोग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं नंबर बार बार। कहता मैं चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ 0 पे पैसा लगाऊंगा। उसने अपनी टेक्निक निकाली, कैसीनो में जीतने की, जुए में जीतने की। उसने 0 पे पैसा लगाया, कहता मैंने एक बार लगाया लेकिन अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी पावर को मैंने लगा दिया कि 0 आएगा 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 आएगा। कहता एक बार लगाया नहीं आया, 2 बार लगाया नहीं आया, 4 बार लगाया नहीं आया, 10 बार लगाया नहीं आया। कहता 15वीं बार आ गया, मतलब मैंने 15,000 रुपए गंवाए और 35,000 रुपए कमाए। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? कहता फिर मैंने दोबारा शुरू किया और मेरा फेथ बढ़ गया, मेरा जो बिलीफ है वो बढ़ गया, वो स्ट्रांग हो गया अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर्स पे कि ये काम कर रहा है। कहता मैंने दोबारा लगाना शुरू किया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, 25 बार नहीं आया, 30वीं बार 30th time जाकर के आ गया। कहता बस फिर तो देख, फिर तो मेरा जो बिलीफ है वो और स्ट्रांग हो गया। जैसे ही मेरा बिलीफ स्ट्रांग हुआ, जो उसके आने के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ गए। मतलब कि 30 बार में आया, मतलब उसने 30,000 रुपए गंवाए और 35,000 रुपए कमाए, मतलब नेट अगर देखा जाए तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट। अगली बार कहता मैंने लगाया 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 और 4th बार में आ गया, मतलब कि 4th बार में 0 आ गया। और इस तरीके से करके मैंने 90,000 रुपए वहां पे कमा लिया, 90,000 I earned। फिर मेरी वाइफ आई और वो मेरे को कसम दे करके वहां से जबरदस्ती ले गई, बस कमा लिया बहुत हो गए। अब ऐसा ना हो कि ये भी चले जाए तो तुम चलो मेरे साथ। एंड दैट गाय वाज लाइक कि संदीप अब अगली बार हम दोनों साथ में चलेंगे, हम दोनों साथ में चलेंगे और अब की बार तो मेरे को 90,000 रुपए रोक दिया, इस बार मैं कम से कम 10-15 लाख रुपए कमा करके लाऊंगा वहां से। दिस इज हिज वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मतलब अब उसका जो बिलीफ है बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत स्ट्रांग। मैंने उसको बोलने की कोशिश करी, मैंने कहा भाई जुए में कोई जीता है क्या आज तक? आप टेम्पररी बेसिस पे तो हरा सकते हो, एक दिन हरा सकते हो कैसीनो को, एक साल तक आप रेगुलर खेलते रहो, आप जीत ही नहीं सकते। बिकॉज इट्स अ लॉ, इट्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स प्रूवन मैथ्स, जिसके बेस पे कैसीनोस चल रहे हैं और करोड़ों नहीं अरबों नहीं खरबों रुपए का रोज काम हो रहा है वहां पर और एक भी आदमी जीत के नहीं निकलता। नहीं कहता मैं जीत सकता हूं, कहता मेरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर, हो सकता है किसी और की नहीं है, मेरी है, मेरी है, मुझे विश्वास है कि मैं जीतूं। एक जुआरी की शुरुआत ऐसे ही होती है। गैम्बलर्स कैसे बनते हैं? जो हार जाता है वो कभी जुआरी नहीं बनता, वो तो छोड़ करके गालियां दे करके बाहर चला जाता है। जो जीत जाता है वो गया, वो क्या बन गया? जुआरी बन गया, जुआरी बन गया। तो ये जो मैं सेशन कर रहा हूं उसमें आई थिंक उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ये मैं इनडायरेक्टली उसके लिए भी कर रहा हूं। तो जैसे ही मेरा सेशन होगा तो यूट्यूब पे जाने से पहले मैं एक डीवीडी बनाऊंगा, ले आकर अपने उस फ्रेंड को दूंगा, भाई एटलीस्ट देख, शायद तुझे कुछ समझ आए शायद। बट आज उसका विश्वास पूरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हर जगह पे काम करता है, काम करता है, काम करता है। लेकिन जब ये चीज हुई तो मैंने अपने आप से ये चीज समझने की कोशिश करी कि क्या सही में ऐसा हो सकता है? बिकॉज अगर सोचने से पार्किंग मिल सकती है, सोचने से ट्रैफिक चेंज हो सकता है, सोचने से इतनी सारी चीजें हो सकती है, गाड़ी मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, तो एक नंबर क्यों नहीं आ सकता? अगर हम देखा जाए, जब हम गाड़ी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ सोचने से, अपनी अट्रैक्शन की पावर से, तो एक नंबर को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते? क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं कर सकते? तो जब मैंने जैसे ये क्यों आया ना, दिमाग के अंदर घुस गया जा कि भाई क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, मैंने कहा कि शायद हो सकता है शायद नहीं, चलो इसके अंदर जाते हैं, अंदर जा करके देखते हैं कि कहानी है क्या, समझ आएगी। और जैसे 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 मैं अंदर जाता चला गया, अंदर जाता चला गया, अंदर जाता चला गया, समझने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब मैं अकेला नहीं था, पूरी की पूरी दुनिया है जो आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांध करके सिर्फ बोल रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और अपनी हर एक जगह पर, हर एक जगह पर उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जुआरी बनते चले जा रहे, जुआ खेल रहे हैं, उसमें मजा आ रहा है, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, यही तो होता है जुआ, यही होता है ना कि जुआ खेला, काम कर गया तो हाँ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, नहीं गया तो लक है, लक खराब है। सो अब बेसिकली क्या हो रहा था कि जैसे जैसे मैं इसके अंदर जाता चला गया, तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आई कि ये कोई लॉ नहीं,
इट्स नॉट अ लॉ, मतलब जबरदस्ती इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है कि इट्स अ लॉ। लॉ क्या होता है? जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, जिसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ मोशन है, जिसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अगर सिंपल वे में देखा जाए किस तरीके से काम करता है, ये माइंड के लेवल पे काम करता है। देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस व्हिच आर देयर इन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। एक है हमारा फिजिकल लेवल, ये जो बॉडीज है हमारी। एक है फिजियोलॉजिकल लेवल, जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक है साइकोलॉजिकल लेवल, तो ये काम करता है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, जहां पर हमारे थॉट्स के लेवल के ऊपर, हमारे डिजायर्स के लेवल के ऊपर। और बेसिकली अगर सिंपल तरीके से क्या देखा जाए, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी भी चीजें हम अपने आसपास में देख रहे हैं, अभी इस पत्थर को देख रहे हैं, रेत को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं, अपनी बॉडीज को देख रहे हैं, जैकेट को देख रहे हैं, ये सब क्या है? दिस इज नथिंग बट एनर्जी। ये सबको पता है, सबको पता है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। सो दिस इज एनर्जी वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग है, मेरी जीन्स की अलग है, इसलिए दोनों देखने में अलग लग रहे हैं। है एनर्जी, है एनर्जी, सिंपल है। तो इसी तरीके से इसकी पत्थर की अलग है, मेरी बॉडी की अलग है, सब चीजों की अलग है। ऐसे ही हमारे थॉट्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और अलग अलग थॉट्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। लेकिन क्या हम अपनी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं अभी आज के टाइम में साइंटिफिकली? नहीं कर सकते। अभी ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना कि हम एग्जैक्ट बता सके कि मेरे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे चल रही है। जब हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो जो भी कुछ है वो हाइपोथेटिकल लेवल पे है। जिस चीज को हम मेजर ही नहीं कर सकते, जिस चीज के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, उसको लॉ कैसे कह सकते हैं? जिस दिन वो मेजर हो गया, उस दिन ये लॉ है, उस दिन ये लॉ है। मतलब एक 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 हमारे हाथ में एक डिवाइस होगा जिसे सीधा मेजर किया जाएगा, अभी मेरे थॉट्स की क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है। अच्छा, वो बाइक की चल रही है, अरे नहीं यार, इसको एडजस्ट करो, 240 पे डालो। अभी 160 पे, 240 पे डाला, गाड़ी की आ गई, गाड़ी आ गई। सिंपल है, सिंपल है, क्या प्रॉब्लम है? उस दिन एक लॉ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, हम सीधा जाकर के निशाना लगा रहे हैं, ठा, दैट इज लॉ, दैट इज लॉ। जैसे एक रिसर्च हुई थी बहुत इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन के बारे में, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। एक पिजन को, एक कबूतर को एक उसमें रखा गया, एक केज में, एक पिंजरे में रखा गया, और साइड में एक मशीन लगाई गई। उस मशीन में से क्या किया गया, दाने छोड़े गए एग्जैक्ट 3-3 मिनट के इंटरवल में। हर 3 मिनट बाद वहां से एक दाना निकलता और कबूतर को दाना मिलता। कबूतर को जैसे जैसे भूख बढ़ रही थी, तो उसको उस दाने का लालच भी बढ़ रहा था। So, वो दाना आया एग्जैक्ट 3 मिनट बाद, कबूतर ने दाना खाया। कबूतर ने क्या किया, बीच में फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि दाना नहीं मिल रहा था, दाना देर में मिल रहा था और उसको भूख बढ़ती जा रही थी, उसने कलाबाजियां खानी शुरू कर दी। गोल घूमा ऐसे करके पिंजरे में और आकर के बैठ गया। फिर से थोड़ी देर बाद दाना आ गया, फिर से गोल घूमा, घूम करके बैठा, दाना आ गया। गोल घूमा, घूम करके बैठा, दाना आ गया। गोल घूमा, घूम करके बैठा, दाना आ गया। कबूतर का सुपरस्टिशन क्या बन गया कि मैं गोल घूम रहा हूं इस वजह से दाना आ रहा है, जबकि ये सच नहीं है। जो दाना आ रहा है वो उस मशीन की वजह से आ रहा है जो एक इंसान के हाथ में है, जो एक इंसान के हाथ में है। उसने प्रोग्रामिंग कर रखी है कि हर 3-3 मिनट बाद दाना आएगा, जिसका उस कबूतर के गोल घूमने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका सुपरस्टिशन बन गया, उसका एक हाइपोथेसिस बन गया कि मैं गोल घूमूंगा तभी दाना आएगा। अब वो गोल घूमे जा रहा है, दाना नहीं आ रहा, फिर भी गोल 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 घूमे जा रहा है। उसको लग रहा है शायद अब आएगा, अब आएगा, जब गोल नहीं घूम रहा था दाना नहीं आ रहा। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज सुपरस्टिशन, कि जब हमको कुछ नहीं पता कि वो चीज हो कैसे रही है, फिर भी हम उसमें अपने फंडे घुसा दे, दैट इज सुपरस्टिशन। और इसी तरीके से अभी कुछ टाइम पहले, जब इस सेशन को करने से पहले, आई थिंक अराउंड, अशोक जी कब आपसे बात हुई थी मेरी, अराउंड 15-20 दिन पहले बात हुई थी। कहते कि मैं इस्कॉन टेंपल में गया था, जहाँ पे आपके सेशंस होते थे, वहां पे मैंने आपको देखा और मेरे अंदर एक अर्ज आई कि मुझे यहाँ पर इस कंपनी को ज्वाइन करना है। मैंने अपना रिज्यूम भेजा और मैं यहाँ पर आज इस कंपनी में बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैंने कहा अशोक जी आप बताओ, क्योंकि मैं तो आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ नहीं ऑपरेशंस में, हमारे पास कितने रिज्यूम्स आते होंगे उन लोगों के जो आज हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं। कहते हैं बहुत आते हैं, हजारों पड़े हैं मेरे पास, मतलब देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूम्स दैट वी रिसीव एवरी मंथ। मैंने कहा क्या उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है? आपका स्ट्रांग था, उनका नहीं है, उन्हें जॉब क्यों नहीं मिल रही हमारी कंपनी में? वो भी तो करना चाहते हैं।
क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली आपसे ज्यादा इस कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा है। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों है कि वो यहां पर नहीं है और आप यहां पर, समझा दो। और मैंने कहा कि क्या आपने, आप कहते रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ, क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया जिस वजह से आप इस कंपनी के अंदर हो, जिस तरीके से बताया गया था? तीन स्टेप्स होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मैंने कहा आपने आस्क, हैव यू आस्क्ड फॉर इट? क्या आपने देखा मेरे सेशन को होते हुए और क्या रोज रात को बैठ करके आपने आपने मांगा कि मैं इस यहां पर इस कंपनी में चला जाऊं, मैं चला जाऊं? क्या ऐसा कुछ आपने किया? कहते नहीं किया। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहते मैंने अपना रिज्यूम मेल कर दिया यहां पर। मैंने कहा एक छोटा सा फर्क आ गया आप में और उन लोगों में जो जेन्युइनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे थे, छोटा सा फर्क आ गया। इन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, देखा और अपना रिज्यूम उठा करके मेल कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ, गारंटी नहीं हुई कि आपको जॉब मिलेगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपकी। उन लोगों से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस तो कर रहे थे लेकिन साथ में कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। बहुत लोग आए, हजारों लोग आए जिन्होंने देखा सेशन को होते हुए, मेरे सेशंस को, उनके मन में आया कि हमको भी जुड़ना है यहाँ पर कंपनी में, किसी तरीके से जुड़ना है, कुछ करना है, कुछ करना है। उन्होंने क्या किया, सोचते रहे, है ना, कोई एक्शन नहीं लिया। आपने एक्शन लिया मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। दूसरी तरफ एक्शन भी बहुत सारे लोगों ने लिया, एक्शन भी ऐसा नहीं अकेले आपने लिया, एक्शन भी बहुत सारे लोगों ने लिया, हजारों रिज्यूम आए, उसमें से भी आप यहां पर हो, बाकी लोग नहीं है। क्यों? क्यों? जॉब होनी तो चाहिए ना भाई, कहां से मिलेगी? सीधा सा फंडा है ना, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारी समझ से बाहर है। ये जो पूरा का पूरा फंडा है ये मेरी भी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को आ रहा है समझ में? आ रहा है? अब हमारा माइंड क्या करेगा, हमारे माइंड को जैसे कोई चीज नहीं समझ आएगी ना, यू विल स्टार्ट ऑफ विद फाइंडिंग रीजंस। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिटिंग हियर, तो भी माइंड किस तरीके से काम कर रहा होगा, यू वुड से कि देखो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है, मैंने सोचा था कि मैं यहां पर बैठा हूंगा, मैं बैठी होंगी और देखो मैं बैठा हूं। बाकी के लोग, बाकी के हजार लोग, क्या उन्होंने नहीं सोचा था? हो सकता है आपसे ज्यादा सोचा होगा, आपसे अच्छे तरीके से सोचा होगा, आपसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी होगी, क्या पता वो आपसे ज्यादा डिजर्विंग भी हो, क्या पता कमी उसके अंदर हो जो सिलेक्शन कर रहा है। क्यों नहीं हो सकती कमी? मेरी टीम में क्यों नहीं हो सकती, मेरे में क्यों नहीं हो सकती? क्या पता जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे ज्यादा डिजर्विंग हो, वो यहां पर नहीं है, उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहां पर नहीं है, आप यहां पर हो, क्या वजह है? समझा दो। तो जो चीज हमको नहीं समझ आ रही उसको हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ले जाकर के उस पर हम एक ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें सिर्फ ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। सिंपल, कि कोई चीज हमारे कंट्रोल से बाहर है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करोगे हाँ दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम बोलते रहे एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम बोलते रहे कि नहीं ये मेरे कंट्रोल में अटक गए। जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो अब हम देख सकते हैं कि हमको क्या एक्ट करना है, हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।